आप देख रहे हैं YMS News 24। आइए देखते हैं आज की खबर दमोह मध्य प्रदेश से। ब्यूरो चीफ विजय यादव के साथ जिला पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने हथियार बनाने की एक बड़ी फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक यह फैक्ट्री करीब 1.5 साल से संचालित की जा रही थी। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जब यहां छापामार कार्रवाई की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। यहां पर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार के साथ हथियार बनाने का सामान सहित कारतूस भी बरामद हुआ है। पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया है। फैक्ट्री का संचालन दमोह जिला मुख्यालय के कछियाना मोहल्ले में किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जब यहां पर छापामारी की कार्रवाई की तो पुलिस को करीब 16 देशी बने हुए कट्टे सहित इन सभी को बनाने का सामान एवं 10 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में और भी खुलासे की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि पिछले वर्ष भी इसी तरह के हथियार बनाने की फैक्ट्री संचालन का खुलासा पुलिस द्वारा किया जा चुका है। एक बार फिर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है तथा पुलिस ने हथियार बनाने वाले आरोपियों को भी गिरफ्तार करते हुए हथियार भी बरामद किए हैं। जब हीरा तैयार करता था, बनाता था, उसको बेचता था, अभी लगातार दमोह पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के विक्रय तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लगातार अभियान चलाया जा रहा था, जिस पर कोतवाली पुलिस थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें 3 लोग उन्होंने पकड़े हैं। एक फैक्ट्री जहां पर अवैध देशी हथियारों का निर्माण किया जा रहा था कछियाना मोहल्ले में, उसका सरगना हेमंत पटेल, उसको पकड़ा। फैक्ट्री में पूरा जो सामान था जिससे ये अवैध शस्त्र निर्माण किए जा रहे थे वो बरामद किया गया। जो अन्य आरोपी जो पकड़े गए वो टीटू ठाकुर और लक्की पठान हैं। इनसे 2 रिवॉल्वर, 14 देशी कट्टा एवं 10 नग कारतूस बरामद किए गए हैं। आर्म्स एक्ट का प्रकरण इनके विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। इनका एक साथी जो है राहुल वाल्मी वो अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त तस्करी के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने के लिए, उनकी पकड़ दकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जाकर कार्रवाई की जा रही थी। इस पूर्व में कई कार्रवाइयां दमोह पुलिस द्वारा की गई है और अभी हाल में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक उल्लेखनीय कार्रवाई इसके तहत, इस अभियान के तहत की गई है, जिसमें अवैध हथियारों, देशी हथियारों का एक जखीरा पकड़ा गया है। उसको निर्माण करने के स्थान पर छापा मारकर जहाँ निर्माण किया जा रहा था उस एक छोटे से कारखाने को भी पकड़ने में सफलता प्राप्त की है।